कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? ऐसे गुना गुन्नी वाला गप रहे, तिगुनी, चरगुन्नी, दसगुन्नी, दुगुन्नी, एकगुन्नी, गुना गुन्नी वाला जैसे गप हो जाए तो तीन गुन्नी है तो एक कम कर दीजिए, तीन में एक कम कीजिए, क्या होगा दो? तीन गुन्नी है तो तीन में एक कम कर देना है, दो अगुना 100, बस कुछ न बन गया। तीन गुन्नी है तो दो, दो गुन्नी है तो एक, दस गुन्नी है तो नौ, आठ गुन्नी है तो सात, एक कम कर देना है। तीन गुन्नी है तो एक कम कर दिए, दो दो गुना 100। अब जो दर दिया है तो दर नीचे लिखेंगे तो समय निकल जाएगा, समय नीचे लिखेंगे तो दर निकल जाएगा, तो दर दिया है तो दर को नीचे में लिख दीजिए, बस काट दीजिए, आंसर हो गया। 25 × 100 = 4 × 8 वर्ष, आंसर बन गया। तीन गुना है तो दो से गुना किए, दो गुना रहता तो एक से गुना करते, पाँच। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी, देखिए फिर है तिगुनी, तो तिगुनी है तो दू न, तिगुनी है तो एक कम करेंगे, तीन में एक कम, दू अगुना 100। अब वर्ष दिया है तो नीचे हम वर्ष ले दे दीजिए 25। अब की बार देखिए, उस बार दर दिया था तो दर को नीचे में दिए थे, अब की समय दिया है समय के नीचे में देंगे तो दर निकल जाएगा, तो 25 × 100 = 4 × 8 % आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगुने के बराबर होगी? साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगुने के बराबर होगी? देखिए 8 वर्ष में दुगुना, दुगुना का मतलब एक, दो में घटाएंगे ना, एक गुना 100, दुगुना है तो दो में एक घटाएंगे तो एक गुना 100, आ टाइम को नीचे में देंगे 8 वर्ष को नीचे में दे दिए, काट दीजिए 4 × 8 25 × 100, तो 25/2, 25 में 2 से भाग देंगे 12.5% आंसर, 25 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 12.5%, दर निकालना है तो प्रतिशत 12.5% आंसर। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगुनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? देखिए दुगुनी, क्या गुन्नी है? दुगुन्नी, दुगुन्नी तो दू में एक घटा देंगे तो एक, गुना 100, और 5 वर्ष है 5 से भाग देंगे दर निकल जाएगा, 5 × 20 = 100, 20% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी? अब देखिए समय दिया है 15 वर्ष, दर पूछ रहा है, समय दिया है 15 वर्ष, पूछ क्या रहा है दर, दुगुनी है तो दो में एक घटा लेंगे, एक गुना 100, एक गुना 100 बटे जो दिया है समय वो नीचे में काटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 20/3, 3 × 20 में भाग देंगे 6/2/3 दर है, इसलिए प्रतिशत में आंसर होगा 6/2/3, यही तो आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? देखिए दर दिया है 12%, किस समय पूछता है कितने वर्षों में, दर दिया रहेगा समय पूछेगा, समय दिया रहेगा दर पूछेगा,
दुगुना होगा तो दो में घटा लेंगे, एक दो में घटाएंगे ना, एक गुना एक सौ धार दिया है नीचे हम लिख देंगे बारह, काट दीजिए, चार तिया बारह, पच्चीस चौक सौ, पच्चीस बटे तीन, पच्चीस बटे तीन से भाग देंगे आठ पूर्णांक एक बटे तीन, बस समय पूछ रहा है तो बस आंसर। अब देखिए इसमें कभी कभी होगा क्या, जैसे आठ पूर्णांक एक बटे तीन वर्ष का मतलब हुआ आठ वर्ष, वर्ष हुआ ना, एक बटे तीन को हम एक को हम बारह लिख सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में बारह महीना होता है, उसमें तीन से जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तीन चौक बारह, तो आंसर रहेगा ऑप्शन में कटेगा तो चार होगा ना, तो आंसर क्या रहेगा आठ वर्ष चार म, चार म ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो ऐसा ऑप्शन में मारेंगे। किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता, यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने समय में राशि दुगुनी हो जाएगी। फिर वही बात, दर दिया है 20%, दर कितना दिया है 20%, और पूछता कितने समय में, समय पूछता, दर दिया हो और समय पूछता हो तो क्या करेंगे, दुगुनी है तो दो में एक घटा लीजिए, दुगुनी है तो दो में एक घटाइए, एक गुना एक सौ, और दर दिया है तो 20 से भाग काट दीजिए, 20 पचे सौ, पाँच वर्ष आंसर, पाँच वर्ष आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं की तीन गुना हो जाएगा, क्या गुना, तीन गुना, तो दिया है दर, पूछता है समय, लिखा है तीन गुना, तो तीन में घटा लीजिए, तीन गुना है तो तीन में घटाइए दो गुना एक सौ, दर है दस तो दस नीचे काट दीजिए, आंसर जीरो जीरो कट गया, दो दही बीस वर्ष आंसर, बीस वर्ष आंसर। चलिए कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। फिर देखिए दर पूछ रहा, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज की दर पर, कितने प्रतिशत के दर पर ब्याज जो है 15 वर्ष में दोगुनी होगी, 15 वर्ष में दोगुनी होगी, तो दोगुनी है जैसे गुन्नी रहेगा उसको देखेंगे कि दुगुनी है तो दो में घटा लेंगे, एक गुना एक सौ, जैसे गुन्नी में एक घटाए एक सौ से गुना कर दिए बस, वर्ष है तो नीचे में 15 काट दीजिए, पांच तिया 15, पांच बीस है सौ, बीस बटे तीन, बीस बटे तीन, तो बीस बटे तीन तो छ, ती छ पूर्णांक दो बटे तीन प्रतिशत आंसर, बीस में तीन से भाग दीजिए अपने आ जाएगा छ पूर्णांक दो बटे तीन प्रतिशत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगुनी हो जाती है तो ब्याज दर प्रतिशत कितनी है, समय दिया है दर पूछता, ऐसा रहे दर रहेगा समय, दर दिया रहेगा समय पूछेगा, समय दिया रहेगा दर पूछेगा, तो ऐसा ऐसा में क्या करना है, देखना है गुन्नी गुन्न, क्या गुन्नी, दुगुन्नी, दुगुन्नी है तो एक घटा देंगे एक, दस गुन्नी रहेगा तो एक घटा देंगे नौ, बीस गुन्ना रहेगा तो उन्नीस, न पच्चीस गुन्ना रहेगा तो चौबीस, तो दुगुन्ना है तो एक घटा दीजिए तो एक, और एक सौ से गुना कर देंगे, आठ वर्ष दिया है आठ से भाग दे देंगे बस, काट दीजिए, चार दूनी आठ, पच्चीस चौक सौ, पच्चीस में दो से भाग देंगे 12 पूर्णांक एक बटे दो प्रतिशत
आंसर। थैंक यू।